सब्सक्राइब करें कुकिंग विद अंबर चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद अंबर। आज रमज़ान स्पेशल में जो मेरे आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी वो है जिंगर बर्गर, जो बच्चों बड़ों सबको ही पसंद आता है। जिसके अज्जा ये हैं, आधा किलो मैंने मैदा लिया है कोडिंग के लिए, और फ्राई करने के लिए मैंने कुकिंग ऑयल एक प्याली लिया है, और चिकन ब्रेस्ट एक पीस लिया था मैंने, उसके चार इस तरीके से आप पीस कर लें। ये सलाद पत्ते लिए मैंने, वो आप अपने हिसाब से तीन यूज़ करना चाहें या चार बर्गर बनाना चाहें आप जिंगर या पांच, तो वो अपने हिसाब से आप ले लिएगा। और ये मसाले हैं, एक चमचा मैंने पिसी हुई मिर्च लिया है, एक चमचा कुटी हुई मिर्च, और आधा चमचा मैंने गरम मसाला, आधा चमचा मैंने काली मिर्च ली है, और एक चमचा मैंने नमक लिया है, और ये लहसुन है, चार जगह मैंने लहसुन के लिए हैं, दो चमचे सोया सॉस के जाएंगे, दो चमचे चिली सॉस के, और दो चमचे सिरके के। चिकन के स्लाइस पीस मैंने अभी एक बाउल में ले लिए, इसके अंदर हम मसाला मिक्स करेंगे। ये जो मैंने आपको सारे मसाले बताए थे वो इसके अंदर सारे जाएंगे। सोया सॉस के दो चमचे जाएंगे, ये चिली सॉस, सिरका हमने डाल दिया, ये लहसुन जो मैंने आपको बताए थे, इसको आपका आप अगर आप चॉप करके डाल दें तो वो आपकी मर्ज़ी, डिपेंड करता है आपका, अगर आप कद्दूकश कर लेंगी तो वो अच्छी तरह ना इसके अंदर मिक्स हो जाएगा, और तो बच्चों के मुंह में भी ना आएगा, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को पसंद नहीं होती ये, तो आप ऐसे अगर क्रश करके डालेंगी तो बच्चों को पता भी नहीं चलेगा, और इसमें लहसुन का टेस्ट भी आ जाएगा, मज़ेदार भी बन जाएंगे। वो बच्चों को तो जिंगर बर्गर बहुत ज़्यादा ही पसंद होते हैं, अब तो बड़े भी शौक से बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो बाहर खाने से बेहतर है कि मैंने सोचा कि आपके साथ मैंने रेसिपी शेयर करूं। ये जिंगर बर्गर की बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनते हैं, आपको बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लगेगी, आपको पसंद आएगी, घर में आराम से बनाएं, बच्चों को अफ्तारी में आप बना के दे दें, क्योंकि बच्चे फरमाइश भी करते हैं बाहर जाने की, तो आप घर पे ही बना के दे सकती हैं बच्चों को। एंड तक आप मेरी रेसिपी फॉलो कीजिएगा तो आपको आसान तरीके से बिल्कुल जिंगर बर्गर बनाना बता दूँगी, सिखाऊँगी आपको। अब इसको हम अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे, और लहसुन अदरक का टेस्ट तो वैसे ही बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, अगर रोस्ट बनाएं या वैसे भी आप हर खानों में डालते हैं, और मैंने सब चीज़ों में आपको बताया सेव करने का तरीका भी, अदरक लहसुन का मैंने पेस्ट सेव करने का तरीका बताया है, अगर जिसने नहीं देखा है तो वो मेरे चैनल में जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं कि किस तरीके से हम अदरक लहसुन का पेस्ट सेव कर सकते हैं। अब इसको हम 2 से 2.5 घंटे इसको हम रख देंगे, मसाला इसके अंदर मिक्स हो गया है, आप 2 से 2.5 घंटे इसको रख दें। जिंगर बर्गर के लिए जो चिकन के पीस मैंने मसाले में मिक्स करके रखे थे फ्रिज के अंदर, वो 2 घंटे हो गए, मैंने उसको फ्रिज से निकाल लिया है। एक प्लेट हमने मैदा ले लिया है, इसके अकॉर्डिंग के अंदर जो मसाले हम डालेंगे उसके लिए 1 चम्मच पिसी हुई मिर्च, 1 चम्मच नमक और 1/2 चम्मच काली मिर्च ये मैदे के अंदर जाएंगे, और ठंडा पानी हमें कोडिंग के लिए चाहिए। हमने 1 प्लेट मैदा लिया है, उसके अंदर मसाले ये आपको जो मैंने बताए थे वो जाएंगे। इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे मैदे के अंदर मसालों को,
मसाले अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे तो कोडिंग हमारी ज़बरदस्त सी बनेगी। अच्छी तरह ये मसाले मैदे के अंदर मिक्स हो गए हैं। हम अब एक पीस लेंगे चिकन का, इसको मैदे के अच्छी तरह कोडिंग करेंगे हम। ये जिंगर बर्गर आपको बहुत पसंद आएंगे, आप घर में ही बनाएं, बच्चों को खिलाएं, अफ्तारी में रखें रमज़ान में। बच्चे भी आपसे खुश हो जाएंगे, फैमिली के लोग भी आपसे खुश होंगे। घर पे बनाइए ज़बरदस्त से जिंगर बर्गर तैयार, बेहतरीन। आप ज़रूर ट्राई करिएगा मेरी रेसिपी को। मैदा अच्छी तरह इसमें आपको मैदे की कोडिंग ज़बरदस्त सी होनी चाहिए। अब इसको हम इसको थोड़ा सा झाड़ के और ठंडे पानी में डालेंगे हम। दस तक गिनती गिने आप ठंडे पानी में जब पीस को डालें आप चिकन के, उसके बाद फ़ौरन निकाल लें। तो दोबारा आप मैदे में डालें इसको। मैदे के अंदर जो मैंने मसाले मिक्स किए हैं उससे और ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा इसके अंदर। ऊपर से भी मज़ेदार होंगे, अंदर से भी जूसी होंगे ये चिकन के पीस, क्योंकि हमने पहले ही मसाला लगा के जो 2 घंटे के लिए रखा था उससे जूसी हो जाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त। और जो हमने मैदे के अंदर मसाला डाला है ऊपर से जो उसकी कोडिंग होगी वो भी ज़बरदस्त सी होगी, टेस्टी होगी, आपको खाने में बहुत मज़ा आएगा। बस ये कि आप मैदे की कोडिंग चिकन के पीस में अच्छी तरह करें दबा दबा के, ताकि मैदा इसमें अच्छी तरह से कोडिंग इसकी ज़बरदस्ती हो जाए, मैदा इसके ऊपर अच्छी तरह कोड हो जाएगा। तो जब आप फ्राई करेंगे तो ज़बरदस्त से आपके जिंगर बर्गर तैयार होंगे। देखें बेहतरीन सी हमारी मैदे की कोडिंग तैयार होगी हो गई है। इसको हल्का सा आप झाड़ के आप इस प्लेट में आप आराम से रख दें और 5 मिनट के लिए आप इसको छोड़ दिएगा। अब इसी तरह से हम सारे पीस करेंगे। जिंगर बर्गर के लिए हमने जो चिकन के पीस कोडिंग करके रखे थे वो 5 मिनट के लिए, वो 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे मीडियम आंच में। आप फ्राई करिएगा ताकि हमारी चिकन भी गल जाए और सीख भी अच्छे जाए, क्रिस्पी हो जाए गोश्त हमारा। इसको आप चमचा नहीं चलाइएगा, अभी आप थोड़ी देर इसको सिकने दें, फिर वो जब हल्का सिकने लगेगा तो खुद ही ऊपर आ जाएगा। तो फिर उसके अंदर आप फिर आप चमचा चला के उसको चारों तरफ से फ्राई करिएगा। ज़बरदस्त से जिंगर बर्गर तैयार होंगे हमारे बेहतरीन से। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ये देखें बेहतरीन से क्रिस्पी जिंगर बर्गर के पीस हमारे चिकन के तैयार हो गए हैं। जिंगर बर्गर के चिकन के पीस देखें फ्राई हो गए ज़बरदस्त से क्रिस्पी से, देखें। अब हम इसके जिंगर बर्गर बनाएंगे, ये बेहतरीन से ज़बरदस्त से फ्राई हो गए हैं। अब हम जिंगर बर्गर तैयार करेंगे। पहले हम इसमें मायोनीज और केचप लगाएंगे। अगर आप ज़्यादा मेयोनीज़ और केचप खाते हैं तो आप ज़्यादा लगा सकते हैं।
क्योंकि मैं जो हूँ, हमारी फैमिली जो है, हम लोग कम खाते हैं केचप और मेयोनीज, तो इसलिए मैं कम इसमें लगा रही हूँ। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़्यादा लगा सकते हैं। ये हम सलाद पत्ता रखेंगे इसके ऊपर। ये चीज़ स्लाइस रखेंगे ऊपर। अब इसको हम इस तरीके से माशाल्लाह स्पाइसी जिंगर बर्गर, क्रिस्पी और स्पाइसी जिंगर बर्गर तैयार हैं। आई होप आपको बहुत पसंद आएंगे, बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे और बड़ों को भी पसंद आएंगे। और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।